हेलो डियर फ्रेंड्स तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई एक सरल जवाब जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते अब मान लीजिए मुझे अगर कोई पूछे कि एक लकड़ी का ढेर रखा हुआ है आपके सामने उसको आप कितनी देर में आग लगा सकते हैं या जला सकते हैं तो मेरा इस केस में पहला आंसर जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा कि डेटा इज इनसफिशियंट तो डेटा इनसफिशियंट क्यों है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो जो लकड़ियां हैं वो गीली हैं या सूखी हैं अगर सूखी हैं तो क्या उनके ऊपर तेल डाला गया है कि नहीं डाला गया अदरवाइज अगर तेल डाल दें तो वो बहुत जल्दी उनको आग लगा सकते हैं अगर सूखी हैं, कोई ईंधन उनके ऊपर नहीं डाला गया है तो उनको थोड़ा समय लग सकता है अगर गीली हैं, तो हमें वेट करनी पड़ेगी उनके सूखने की एंड अबव ऑल मान लीजिए लकड़ियों का ढेर है उसके ऊपर आपने तेल भी डाल के रखा हुआ है जलने को तैयार है बट आपके पास कोई लाइटर या माचिस या आग वाली कोई चीज नहीं है तो फिर आप कैसे आग लगा सकते हैं तो डेटा इज इन सफिशियंट कुछ यही चीज होती है मेरे साथ क्योंकि अक्सर आप लोगों के बहुत से क्वेरीज प्रश्न जो हैं वो आपके मन में उठते हैं आप मुझे कांटेक्ट भी करते हैं और मैं बहुत कोशिश भी करता हूं कि आपकी हरेक क्वेरी का आपको जवाब दे सकूं जो रेलेवेंट आंसर है बिल्कुल ठीक आंसर है वो आपको जवाब दे सकूं अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें हारमोनिका कितने दिनों में आ जाएगा कितने दिनों में हम हारमोनिका सीख जाएंगे तो ये एक मेरे लिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी लकड़ियों वाले क्वेश्चन की बात की कि डेटा इज पहली बात इनसफिशिएंट एंड सेकेंडली इस क्वेश्चन का कोई भी स्टीक जवाब मैं देने में असमर्थ हूं मैं नहीं दे पाऊंगा उसके क्या क्या रीजन है वो आपको समझनी होगी कुछ चीजें अभी मैंने स्टार्टिंग में गाना बजाया हम होंगे कामयाब तो एक यही मंत्र है कि आप लगे रहें जो रियाज है वो करते रहें और डेफिनेटली आप कामयाब होंगे क्योंकि रियाज जो है उसका कहीं पे भी कोई भी Uh, मतलब उसका कोई दूसरा संकल्प जो है ऑल्टरनेट जो है वो नहीं अवेलेबल अब आप हारमोनिका उठाते हैं आप बजाना शुरू करते हैं मान लीजिए आपको चार पांच महीने हो गए और आपसे कोई गाना जो है अभी क्लियरली नहीं बज रहा फिर आप देखते हैं कि कोई आपका एक फ्रेंड है या दूसरा कोई uh, मतलब बंदा है जिसको आपने देखा कि उसने हारमोनिका उठाया और तीसरे दिन वो गाना बजाने लग गया फिर आपको एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे तीन महीने हो गए और उन भाई साहब को तीन दिन ही हुए थे अभी उन्होंने गाना भी बजा लिया मैं तो अभी सारे गाना बजा रहा हूं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई भी उत्तर दे पाना संभव नहीं है बहुत सी चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी मतलब आपकी जो लर्निंग है बहुत सी चीजों पे डिपेंड करेगी अब हारमोनिका एक साज है म्यूजिक एक बहुत बड़ा फील्ड है उसमें गायन भी है वादन भी है डांस भी है नृत्य भी है बहुत सारे अंग हैं म्यूजिक के अब एक चीज जरूरी ये है कि म्यूजिक जो है वो आपके माइंड में होना जरूरी है अब हो सकता है कि आप कई महीने से कोई भी साज चलिए हारमोनिका की बात करते हैं आप बजा रहे हैं बट अभी म्यूजिक जो है वो धीरे धीरे आपके दिमाग में ढल रहा है कोई और सज्जन है उन्होंने कभी कोई साज नहीं बजाया कभी गाया भी नहीं बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनके दिमाग में म्यूजिक है या म्यूजिक था तो जैसी उन्होंने ये साज उठाया तो वो जो उनके दिमाग में म्यूजिक था उसने उनकी हेल्प की फास्ट लर्निंग तो ये कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है कोई थम रूल नहीं है इसमें कि मैं आपको बोल दूं कि आप एक घंटा रोज रियाज कीजिए आपको तीन महीने में आ जाएगा बिल्कुल नहीं मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकता तो वही बात है कि म्यूजिक दिमाग में है तो हो सकता है कि आप रियाज कम करें तब भी आप जल्दी सीख जाए यह भी हो सकता है कि आप बहुत रियाज करें और आपको महीनों लग जाएं सिर्फ एक गाना बजाने में तो ये एक पेशेंस वाली चीज़ है कोई भी आर्ट जो है उसमें रियाज और पेशेंस ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं तो अगर आप रियाज नहीं कर रहे हैं पेशेंस है आप में तब भी आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे अगर आप रियाज कर रहे हैं पेशेंस नहीं है तो तब भी वही कहानी होगी कि आपने रियाज़ किया फ्रस्ट्रेट हो गए पेशेंस नहीं थी आपने छोड़ दिया तो उस केस में भी आप म्यूजिक जो है उसको नहीं सीख पाएंगे तो मैं पहले यही चीज़ कहता हूं कि आप एक साज नहीं सीख रहे हैं आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो शुरुआत बहुत से प्लेयर्स की मैंने देखा है कि हारमोनियम या कीबोर्ड से ही हुई है तो ये भी एक चीज़ मैंने देखी है कि जो प्लेयर्स कीबोर्ड बजा सकते हैं या हारमोनियम बजा सकते हैं या जिन्होंने बचपन में ये चीज़ें एक अच्छा खासा टाइम बजाई हुई हैं उनको हारमोनिका सीखने में फिर दिक्कत नहीं होती फिर सिर्फ इतना होता है कि आप जो ये लेआउट है या सिंगल क्लियर नोट्स हैं सिर्फ उस चीज़ की आपने मास्टरी करनी है आपको सुरों की जो रेलेटिव पोजिशन है वो आपको पता है तो वो रेलेटिव पोजिशन पता है का मतलब यही है कि आपके दिमाग में म्यूजिक है कि अगर एक सा है और अगले सप्तक का सा है तो आपको पता है कि इनमें इतनी दूरी होगी अगर सा है और पा है तो आपको पता है कि सा सा से इसकी दूरी लगभग आधी होगी तो वो एक चीज जो है वो आपके माइंड में अगर बैठी है तो सिर्फ हारमोनिका ही नहीं आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आसानी से सीख सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें आपको नहीं पता है या आपके माइंड में नहीं है तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे तो हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे बहुत से प्लेयर्स मैंने देखे हैं कि जिन्होंने पेशेंस के साथ कई कई साल लर्निंग की है और अगर आज आप उन, उनको सुने और जब वो कई साल पहले बजाते थे तो आपको फर्क महसूस होगा और फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि भाई अगर ये बंदा ऐसे बजाते हुए स्टार्टिंग में और इस लेवल तक अगर वो पहुंच सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो फिर मैं क्यों नहीं पहुंच सकता तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि रियाज जो है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है पेशेंस रखिए अगर सीखना है तो बिल्कुल ढंग से पेशेंस के साथ सीखिए अदरवाइज़ जल्दबाजी में दस पंद्रह दिन में एक महीने में दो महीने में कोई भी कला जो है वो सीखनी मुश्किल है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का ख़ास तौर पे जो लर्नर्स हैं बिगनर्स हैं वो ज़रूर ध्यान रखेंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेंगे और रियाज जो है उसको जारी रखेंगे तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है वो कुछ हद तक आप लोगों को जरूर फायदेमंद रहा होगा और इसी तरह के और नए नए टॉपिक्स लेके या आपकी क्वेरीज लेके समय समय पे आपके रूबरू होता रहूंगा तो आज मुझे दीजिए इजाजत अभी वीडियो को यहीं लगाते हैं विराम और जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ तब तक के लिए फ्रेंड्स डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर